क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना ने बुधवार को शहर में महाराष्ट्र दिवस मनाया। सुबह 8:30 बजे सभी मराठी भाषियों ने राजवाड़ा चौक पर इकट्ठा होकर अहिल्या माता की जय जयकार की, तो वहीं होलकर राजवंश के महापुरुष को भी याद किया। सुबह पहुंचे मराठी भाषियों ने मां अहिल्या की प्रतिमा पर अभिषेक व पूजा कर माल्यार्पण किया। इधर क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना ने बुधवार को शहर में महाराष्ट्र दिवस मनाया। सुबह 8:30 बजे सभी मराठी भाषियों ने राजवाड़ा चौक पर इकट्ठा होकर अहिल्या माता की जय जयकार की, तो वहीं होलकर राजवंश के महापुरुषों को भी याद किया। अल सुबह पहुंचे मराठी भाषियों ने मां अहिल्या माता की प्रतिमा पर अभिषेक और पूजन कर माल्यार्पण किया। क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजीर ने बताया कि इंदौर में भी होलकरों ने राज किया है। ये मराठा समाज के लिए गौरव की बात है। यहाँ रहने वाले सभी समाजों ने मराठाओं का शौर्य देखा है और हमें गर्व है कि हम मराठा समाज में जन्मे हैं। सभी मराठी भाषियों ने जो योगदान दिया है उसे ये शहर और यहाँ की जनता कभी नहीं भूल सकती। क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना सभी समाजों से अपील करती है कि मराठी भाषियों के साथ साथ शहर की जनता, प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम भी इस महाराष्ट्र दिवस को किसी बड़े त्योहार की तरह शहर में मनाएं। वह इस कार्यक्रम के पश्चात सभी समाज बंधुओं को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। अहिल्या प्रतिमा पर बुधवार को मनाए गए महाराष्ट्र दिवस कार्यक्रम में नागपुर विधायक अशोक धवड़, ग्वालियर क्षत्रिय मराठा समाज महिला अध्यक्ष अपर्णा दबले, स्वाति मोहिते, निहारिका कुंची, सुरेश चौहान, नितिन बांदले, दीपक वाडेकर, कृष्णा सुपेकर, मुरली फावड़े, विमल चौहान, पंकज डोंगरे सहित सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। नवनिर्माण सेना के द्वारा आपके द्वारा किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया और किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में, ये 59वां महाराष्ट्र दिवस है। हम लोग सभी लोग जितने भी यहाँ दिख रहे हैं सब महाराष्ट्र से आए हुए, यहाँ इंदौर में बसे हुए हैं। तो हम लोग जो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं 1 मई को, उसको लेकर हमने आज महाराष्ट्र दिवस मनाया। साथ ही हमने अहिल्या प्रतिमा पर इसलिए बनाया कि अहिल्या प्रतिमा इंदौर के अंदर मराठों की राजधानी रही है। जब मराठों की राजधानी रही, तो जब मराठों की राजधानी, तो महाराष्ट्र दिवस हम वहाँ मना रहे थे। हमने सोचा हम इंदौर में क्यों नहीं महाराष्ट्र दिवस मनाए। इसको लेकर हमारे क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के सभी पदाधिकारीगण और नागपुर के पूर्व विधायक अशोक धवड़ जी भी हमारे बीच है, इंदौर शहर की महिला नवनिर्माण सेना की अध्यक्ष स्वाति मोहिते जी, ग्वालियर महिला समाज की महिला के अध्यक्ष अर्पणा डबले जी भी हमारे बीच है। हम सभी प्रदेश के जितने पदाधिकारीगण हैं सभी ने मिलकर यहाँ पर इंदौर के अंदर महाराष्ट्र दिवस मनाया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का शपथ ग्रहण यहाँ पर किया गया? हम लोगों ने शपथ ग्रहण लिए कि अपना निर्वाचन के अंदर, लोकसभा के अंदर वोट अवश्य करें, लोभ प्रलोभन छोड़ दे, जो आपको उचित आदमी और ईमानदार आदमी दिखता है उसको वोट दे। आपका नाम बताइए? चंदू कुंजीर, क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र पूर्व विधायक भी है, महाराष्ट्र दिवस आज मनाया जा रहा है इंदौर शहर के अंदर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं तो नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, और ये सारे महाराष्ट्र के आए हुए लोग, यहाँ बसे हुए लोग जो है, और इन्होंने जो आज 1 मई का जो प्रोग्राम यहाँ मनाया महाराष्ट्र दिन करके, वो बहुत खुशी की बात है कि जहाँ महाराष्ट्रियन लोगों का अस्तित्व है, महाराष्ट्र से आए हुए लोगों का अस्तित्व है, वो सारे लोगों ने यही मना यहाँ जो दिन मनाया है, मैं उसको बहुत बहुत इन सब लोगों को बधाई देता हूँ। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य की निर्मिति हुई, और साथ साथ में आज जागतिक कामगार दिन भी है, जो कि एक कामगार के बारे में, कामगार के हितों के बारे में अच्छे कानून बनाए गए सरकार ने, जो कि कामगारों का शोषण होता था, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने गवर्नमेंट ने तब बनाए, और आज वही, और उसमें काफ़ी सुधार करके आज कामगारों की रक्षा, उनको एक सुविधा देने का काम तब के सरकार ने, अभी भी वो चल रहा है। तो ये महाराष्ट्र दिन, जो कि महाराष्ट्र में आज छुट्टी रहती है, महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में सब ऑफिसेज बंद रहते हैं, सभी बंद रहते हैं, बैंक्स वगैरह सभी बंद रहता है, तो छुट्टी होती है, और महाराष्ट्र दिन करके, कामगार दिन करके उसको मनाया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ कि यहाँ पर मुझे मौका मिला, और देवी अहिल्याबाई होलकर जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, और जब ये भाषावार प्रांत रचना हुई तब ये मराठी
और भाषावार प्रांत जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र मराठी सब एक जगह थे, तो गुजरात अलग हो गया, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी लोग महाराष्ट्र में बस गए, एमपी में हिंदी, जो भी जिस प्रकार का भाषावार प्रांत जिस प्रकार से हुई उसमें महाराष्ट्र की निर्मित हुई 1 मई 1960 को। इस प्रकार का मैं अशोक धवट, पूर्व विधायक, नागपुर महाराष्ट्र। यहाँ पर आज महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिख रही है, किस तरह का उत्साह और क्या दिख रहा है आपको? बहुत ही उत्साह है यहाँ पर, और मैं पहले कहना चाहूँगी कि हम आज यहाँ महाराष्ट्र दिवस बना रहे हैं और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको है। और इंदौर में मराठाओं का बहुत ही ज़्यादा शौर्य देखा गया है और इंदौर में मराठाओं का रहा है, उसके लिए मैं महा अहिल्या को शत शत नमन करती हूँ और इंदौर वासियों को और मराठी समाज जनों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इंदौर में मराठाओं का शौर्य देखा गया है जो कि सभी जानते हैं, और मेरा सारा सभी मराठी भाषियों से इस बात का निवेदन है कि आज के दिवस को बड़े त्यौहार की तरह ही मनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और कुछ ही दिनों मतदान के लिए शपथ दिलाई है उसके लिए, हाँ, आज क्षत्रिय मराठा द्वारा हम सभी लोगों ने यहाँ पे मतदान के लिए शपथ ली है। यही कहा है कि कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाले हैं, तो आप सही व्यक्ति को चुने जो हमारे इंदौर का विकास कर पाए। और हमने ये भी शपथ ली है कि हम खुद तो वोट देंगे ही, और भी लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि ये हमारा राइट है एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारा वोट सही व्यक्ति को दें। आपका नाम बताइए। निहारिका कुंजी। इतना शिक्षित और इतना विकसित भारत हो चुका है, उसके बाद भी शपथ दिलाने की जरूरत पड़ रही है, हाँ, जागरूक नहीं है देश का नागरिक? जागरूक तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि जागरूक नहीं है, बट कई बार कुछ चीज़ें याद दिलानी पड़ती है हमें, और ये वही टाइम चल रहा है कि हमें याद दिलाना पड़ रहा है कि ये हमारा राइट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बाकी हम बाद में किसी को दोष नहीं दे सकते ना कि ये चीज़ गलत है, ये राइट है, तो हमें इसका यूटिलाइज करना चाहिए और वोट देना चाहिए।